अस्सलाम वालेकुम जी, मैं फरा आथर हूँ और मैं डिप्टी डायरेक्टर स्टैंडर्ड्स एंड एक्रीडिटेशन हूँ पंजाब फूड अथॉरिटी में। आज मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग जो कि डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट US ने कंडक्ट की हैं ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ डेयरी फार्मर्स एंड इंडस्ट्री स्टेक होल्डर ऑन मिल्क वैल्यू चेन। दिस इज़ अ 2-year प्रोजेक्ट और मैं पिछले 1.5 years के साथ इनके साथ एसोसिएटेड हूँ बींग द ट्रेनर, जिसमें मैं टाइम एंड अगेन आने के बाद यहाँ डिफरेंट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं डेयरी से रिलेटेड, जिसमें लेबलिंग रिक्वायरमेंट है, ट्रेसेबिलिटी है और स्पेसिफिकली वो डेयरी फार्मर जिसको नॉलेज एक्वायर करने में मुश्किल का सामना करना पड़ता है कि जी मुझे अगर एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनानी है डेयरी रिलेटेड, मुझे कौन कौन सी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होगा उसको मार्केट करने के लिए, मैं उस साइड को यहाँ पे डील करती हूँ। और आई रियली अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ US इन दिस रिगार्ड। इन द एंड मैं डॉक्टर जुनेद जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं इस प्रोजेक्ट के, उनको स्पेसिफिकली मुबारकबाद देना चाहूँगी फॉर द सक्सेसफुल कंडक्शन ऑफ दिस प्रोजेक्ट दैट इज़ डायरली नीडेड। डॉक्टर जुनेद अलॉन्ग विद हिज टीम इज पुटिंग इन टायरलेस एफर्ट्स टू मेक दिस सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। अगेन मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी US से और डेफिनेटली डॉक्टर जुनेद से कि प्लीज़ कंटिन्यू दीज एफर्ट्स। जो हमारा स्मॉल फार्मर है, स्मॉल एंटरप्रेन्योर है, उनको ये सब सीखने के लिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और US उसको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दे तो उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद सैफ एंड आई कम फ्रॉम अ कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड। सो आई एम बेसिकली एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्चर एंड आई हैव रिमोटली वर्क विद ब्रिटिश एयरवेज एज डेटा साइंटिस्ट। So the main purpose of coming on this training was to get exposure of a dairy technology and how we can integrate it with the artificial intelligence and make and automate the things that we do manually in the lab. जो भी फील्ड में नया जानना चाहता है उसके लिए मैं रिकमेंड इसलिए करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो सीधा ही इंडस्ट्री से लोग आते हैं लाइक बिग बर्ड्स हो गया, केक्स एंड बेक्स, इस तरह के प्रोफेशनल लोग आते हैं और आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पर, तो आपकी नॉलेज के अंदर और आपके हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के अंदर काफ़ी इजाफा हो जाता है। तो इट वॉज़ ए वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड आई रेकमेंड यू ऑल। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ मोहम्मद यार आबिद, एम फिल फूड टेक्नोलॉजी फ्रॉम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। करंटली आई एम वर्किंग विद फौजी फूड नूरपुर ब्रांड एज अ QA टीम लीडर। तो यहाँ पे जो उनका सेशन हुआ है डेयरी लेबोरेटरी एनालिसिस स्किल के वाले से, इसमें हमने बहुत कुछ लर्न किया, स्पेशली कि डेयरी इंडस्ट्री के अंदर जिस तरह की लैब के अंदर इन्वायरमेंट होना चाहिए। 5S के अकॉर्डिंग हमें ट्रेनिंग दी गई, GMP के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग दी गई, GLP के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग दी गई, इससे हट के सेफ मिल्क जिस तरह से हम लोग उसकी हैंडलिंग कर सकते हैं, किस तरह से हम उसको माइक्रोब्स को उसके ट्रांसपोर्टेशन के दौरान बता सकते हैं, ये सारी चीज़ें बताई गई। इसके अलावा रेगुलेशन के बारे में हमें बताया गया, कौन से ISO हैं जिसको हम इंप्लीमेंट करके हमारी लैब के अंदर वो उसको स्टैंडर्डाइज यानी कि ना कर सकते हैं, एक्रीडेशन उस लैब की ना ले सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें बताई गई। ओवरऑल जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के लोग आए, उन्होंने हमें अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया, हमारे जो प्रॉब्लम्स है उन्होंने उन चीज़ों के बारे में बताया। तो एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि दिस ट्रेनिंग सेशन वॉज वेरी फ्रूटफुल फॉर अस। तो होप्स हो कि ये ऐसे कंटिन्यू रहेगा और आने वाले जो भी बैच इसके अंदर आएंगे वो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे और उनको अपने प्रोफेशनल कैरियर के अंदर इसका बड़ा एज मिलेगा। तो थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमार अहमद है और मैंने अपना बैचलर्स UCP से किया और मैं फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन द एक्सपीरियंस। जैसा कि मैंने 5-day ट्रेनिंग को चूज़ किया तो ये मेरा सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है यहाँ पे आने का। मैंने बहुत कुछ यहाँ से सीखा, मैं अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करूँगा, चीज़ों से अवेयर नहीं है वो यहाँ पे आएँ और अपनी स्किल्स को पॉलिश करें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम आमना जावेद है और मैंने युवा से ग्रेजुएशन किया 2009 में। सिंस देन मैं हली फूड में काम कर रही थी 8 years से, अब मैं पंजाब फूड अथॉरिटी के साथ हूँ। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा इस ट्रेनिंग में, इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, जैसे लेबॉरेटरी एनालिटिकल स्किल्स में जो एडल्ट्रेशन टेस्टिंग है जो कि युवास ने डेवलप किया है वो बहुत अच्छी है। आयोडीन वैल्यू हम लोगों ने सीखी है, GCMS पे हम लोगों ने काम किया है, उसके अलावा हमने जो डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट जो युवास में है हमने उसको विजिट किया है। ओवरऑल हमने इसमें जो लेबॉरेटरी एनालिटिकल स्किल्स हैं हमने वो भी सीखी, उनका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी किया और उसके अलावा हमने उनको प्रोसेसिंग प्लांट को विजिट किया, उसको ऑब्जर्व किया कि उसमें हम उन टेक्निक्स को कैसे अप्लाई कर सकते हैं और सप्लाई चेन के बारे में हम लोगों ने देखा कि हम कौन कौन से रिस्क हमें आ सकते हैं और हम उनको कैसे मिटिगेट कर सकते हैं। Thank you so much. My name is Sultan. I'm being a dairy farmer and I have near about 50 animals and I have done 3 days training here. Milk handling, that was a very good experience for me. और इसमें जो सिखाया गया था वो काफ़ी हमारे लिए usable है, especially being as a local farmer.
तो हम अपनी जो पर्सनल लाइफ में और जो एक्सपीरियंस हमने यहाँ से गेन किया उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, और हम बाकी जो अपने फार्मर जो हमारे कोलीग हैं जो इस बिज़नेस में हैं हम उनको गाइड करेंगे इंशाल्लाह। आई विल गिव देम 5 स्टार्स फॉर दैट एंड आई अप्रिशिएट दैट ऑल द ऑर्गेनाइजेशन हु हैड कंट्रीब्यूट फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच।